అంశం మీద ముస్లిం సామాజిక వర్గాన్ని కూడా ఇక్కడ ఒక తాటిపై వచ్చే విధంగా చేశారు చాలా సంతోషం చాలా ఆనందంగా కూడా ఉంది ఉదయం నుంచి నేను రాత్రి 12 గంటలకు వచ్చాను ఇక్కడికి అప్పటి నుంచి కూడా చూసుకుంటూనే ఉన్నాను చాలా చక్కగా జరుగుతా ఉన్నది బట్ అయితే एक छोटी सी बातें हैं कि जब अमीर जिस जमात की नहीं होते ये बात सोचो मैं ज़्यादा नहीं बोलता छोटी सी बात बोलता हूँ जो भी काम करते हैं तो मशवरे के साथ काम करना है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और दूसरी बात है जिस जमात की जो भी जमात है दुनिया की हो या हमारे दीन की भी क्यों ना हो जिस जमात की अमीर नहीं होते उस जमात की अमीर शैतान बनता है ये कॉन्फिडेंस है हो ना जिस जमात की अमीर नहीं होते तो उस जमात की अमीर शैतान बनता है जिस जमात में हमें अमीर को चुनते हैं वो खुद का शेख शेख अपना देख का अमीर नहीं चुनते है ना अब हमें सियासत नहीं करना सियासत की बात नहीं करना हमें सियासत की बात नहीं करें तो कैसा हमें किसे चुने हैं हम सियासत करना है सियासत बात करना है सियासत की बात जरूरी करना हमें नहीं करें तो कैसा जो हमारी तकलीफ जो हमें जो तकलीफ लेती ही जिस जगह से हमें जो जो चीज़ें आना है वो किसे पूछना मेरे अम्मा बाबा को पूछना ना मुझे ससुर मेरे बच्ची दिए सो ससुराल को पूछना जो मुझे पथकाल आना है मुझे जो जो आना है एक्टिविटीज आना है जो भी है ना हमना को आना है सो माइनॉरिटी विंग्स जो भी आना है मैं किसे पूछना जाकर नरेंद्र मोदी को पूछना अमित शाह को पूछना फिर कौन है अब अधिकार पक्ष में किसे पूछना भाई मैं बोलो मैं पार्टी मैं पॉलिटिक्स नहीं बात कर रहा हूँ भाई मैं पॉलिटिक्स नहीं मैं हक की बात करता हूँ मैं हक किस बात करता हूँ मैं पॉलिटिक्स नहीं बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं मेरी हक बताता हूँ कि मेरी हक मैं किसे पूछना मैं सिवाय अल्लाह से किसी से नहीं पूछना ये तो दूसरी बात है बस मेरी हक उसी से पूछना है जो मेरे सर के ऊपर बैठा है बेशक जो मेरे सर के ऊपर कौन बैठा है भाई जो अधिकार पक्ष में जो हमारी सियासतदान जो है वो इसी को पूछना है कि बाजू वाले को नहीं जाकर पूछना हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हम सुबह के लिए शाम तक इसी उन्वान के ऊपर काम करते हैं कि हमारे जो कौम के अंदर जब तकलीफ आई तो तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करे कैसे इसकी रिहाई हो जाए अमीर को चुन के बैठे तो अमीर हमारा शैतान बना तो क्या बोले हम अमीर हमारा शैतान बना तो हम शैतानी रास्ते पे जाएंगे अब हमारे अब तुम्हें सोच को देखो मैं बोलने का मसला आपको समझ में आकर रहता जो हमारा अमीर शैतान है तो हम क्या कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते सब सवाल आती तो अब हमारे अंदर इत्तेहाद होना इत्तेफाक होना है इत्तेहाद कैसे आती है जब तुम पार्टी के अंदर होते तो पार्टी को छोड़ना है जब मसला मुसलमान का आता है तो मुसलमान इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर काम करना है अगर तुम पार्टी के झंडे के नीचे खड़ गए तुम सियासत के दान के नीचे खड़ गए तुम अपने जो जो जिम्मेदार है आप जिताए हैं जिसको उसके सामने लेकर खड़ गए तो किसकी जाके पूछेंगे हम क्या करेंगे अब हम इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते बर्दाश्त करते 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 कब तक बर्दाश्त करेंगे समझो कि बर्दाश्त करना भी अपने आप पर जुल्म करना है इस बात को समझना है कि हम हमारी तकालीफ को जिससे पूछना है इसे ऐसी दयाज होना है जब हमने तकलीफ आती है तो हमारे जो तकलीफ को हम आगे बढ़ाना है तो सब अपने झंडों को बाजू को फिरका कर एक जगह आकर बैठे जहां एमएलए नको मिनिस्ट्री नको एमएलसी नको चेयरमैन नको कौन भी नको मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उन्वान के ऊपर उस कलिमे के साथ में आकर जुड़कर हमारे साथ काम करें तो हम समझेंगे तो इनको फिर जिताना है इंशाअल्लाह अगर नहीं काम करेंगे तो बकवास बक्के चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं होता हमारा हमें इसी तरह से चलते रहेंगे